हमीरपुर में सबसे पहले कोरोना संक्रमण का शिकार हुई महिला और एक व्यक्ति अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। जब वह ठीक होकर घर पहुंचे तो परिवार के सादगी से स्वागत कर खुशी जताई। परिजनों के इस दौरान खुशी से आंसू भी छलक उठे। परिजनों की आंखों में अपनों को इतने दिन दूर रहने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बता दें कि हमीरपुर के बजूरी पंचायत में प्रवासी ठेकेदार की पत्नी और नादौन उपमंडल के तहत अति ग्राम पंचायत जोलसप्पड़ में एक निजी स्कूल का प्रिंसिपल कोरोना संक्रमित हो गए थे। इनका 17 अप्रैल को कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल पॉजिटिव आया। दोनों को भोटा स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल में स्थापित कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया। 30 अप्रैल को दोनों लोगों के सैंपल नेगेटिव आए। प्राइमरी और सेकेंडरी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। संस्थागत क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। उधर उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि सबसे पहले सामने आए दो कोरोना संक्रमितों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। लॉकडाउन में नियमों का पालन कर दूसरे लोगों को भी कोरोना से बचाव के लिए उपाय बताते रहें। पीएल टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।